दोस्तों, बिग बॉस OTT 3 पहले हफ्ते में ऐसे बिग बॉस किसी को जलील करेगा, नीचा दिखाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं बात कर रहा हूँ कटारिया की। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं। सर केतन, सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि घर में जो सदस्य हैं उनका नाम है साई केतन, सर केतन नहीं। कि बिग बॉस ने कटारिया को बुलाया कि भाई नॉमिनेशन के लिए एक नाम दे दो। तो कटारिया ने कहा बिग बॉस को कि सर केतन, इन्हें बिग बॉस को बोला कि सर केतन, यानी केतन मेरा नाम है। तो बिग बॉस ने कटारिया को जलील करते हुए कहा कि उसका नाम सर केतन नहीं है, साई केतन है। या कटारिया को एक हफ्ते में साई केतन का नाम याद नहीं है? क्यों नहीं याद है? बिग बॉस अननेसेसरी टारगेट कर रहा है एक बंदे को, एक बंदे के पीछे पड़े हैं। ये वीडियो स्पेशली बना मैं इसलिए रहा हूँ कटारिया के लिए, जिसके साथ बुरा होगा तो मैं बनाऊंगा। फिर दूसरी बात ये हुआ दोस्तों कि वीकेंड के वार पे अनिल कपूर ने कहा कि मैं बिग बॉस लाइव देख रहा था। कटारिया फॉर विक्ट्री सिस्टम 2.0, वी आर विशालियंस। ये लोग है कौन? कल्ट। रणवीर सूरी का क्लोजअप आ रहा था, नीचे लोग बोल रहे थे विक्ट्री फॉर कटारिया, कटारिया विनिंग सिस्टम 2.0। फॉर एग्जाम्पल, मैं एल्विश का फैन हूँ, अनिल कपूर कौन होते हैं मुझे ये बताने वाला कि मैं नीचे ये ना लिखूं? मैं लिखूंगा मेरी मर्जी, मेरे बाप की मर्जी, मैं लिखूंगा 100% लिखूंगा। लेकिन जबरदस्ती जलील कर रहे हैं एक बंदे के पीछे ये लोग पड़े हैं। क्या तुम लोगों ने इसीलिए कटारिया को बुलाया था कि तुम उसको ऐसे डिसरिस्पेक्ट करो, जलील कर दो? पूरे घर वाले इसके उस पर ऊपर हंस रहे हैं, कटारिया के ऊपर, बिग बॉस की वजह से हंस रहे हैं। ये बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहा है? पहला अनिल कपूर ने कहा कि हिम्मत है तुम्हें, हिम्मत है? अगर आप में हिम्मत है आप बोलेंगे, कोई भी एल्विस का आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो उठ जाओ, तो बोलो कि एल्विश के आदमी मुझे सपोर्ट ना करे। तो कटारिया ने डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया, ऐसे आराम से बोल भी दिया कि मुझे एल्विश का फैन सपोर्ट ना करो। तो बिग बॉस बार बार इस बंदे के पीछे क्यों पड़ा है और ज़बरदस्ती एक मुद्दा हाईलाइट कर रहा है? ये लोग विशाल को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि वो कटारिया का साथ दे रहे हैं। ये लोग इसीलिए विशाल को टारगेट कर रहे हैं, इन दोनों को ये ऐसे टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली कटारिया को बिग बॉस ऐसे टारगेट कर रहे हैं कि मैं बाहर हूँ, कटारिया बिग बॉस के अंदर है। मैं बोलता हूँ कि कटारिया जिंदाबाद, बिग बॉस बोलते हैं कटारिया को कि ओटो। बाहर एक बंदा है वो बोल रहे हैं कि बिग बॉस जिंदाबाद, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कटारिया को डिसरिस्पेक्ट, ऐसे मजाक वाली बात कर रहे हैं ये लोग। हालांकि बिग बॉस को पता है भी या नहीं मुझे पता नहीं, जो बिग बॉस OTT 3 है उसका जो दर्शक है उसमें से 70-80% जो दर्शक है वो एल्विश आर्मी है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। ये इसीलिए बिग बॉस बार बार इसको हाईलाइट कर रहे हैं, कटारिया को जलील करते हैं ताकि लोग गुस्सा हो जाए, एल्विश के आर्मी गुस्सा हो जाए, ये बड़क उठे, लोग चर्चा करें ताकि बिग बॉस हिट हो जाए OTT 3। बिग बॉस को अगर पता चल जाए ना कि एक बंदा है, अगर मैं उसको जलील करूंगा तो मुझे TRP मिलेगा, तो बिग बॉस उसका कपड़े उतारता है, ये एक रियलिटी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिग बॉस अपनी शो का मतलब रखते हैं, किसी बंदे जलील होते हैं, बंदा जलील होते हैं, जलील हो जाए, मर जाए, नंगा हो जाए, बिग बॉस का कोई लेना देना नहीं। क्या बिग बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कटारिया को कि हम आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे? अगर ये लिखा था तो क्या कटारिया आ जाती? और जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, आप लोग क्यों आते हो ऐसे जलील करने के लिए आते हो? मत आओ, इन लोगों को दिखाओ अपना औकात। बाकी तो मम्मी डैडी जैसे लोग बुलाए हो, दो तीन अच्छे गेम खेल रहे हैं उसको तुम लोग जलील करने में लगे हो। बिग बॉस खुद अपना शो डुबा रहे हो, 2013 के बाद आपका शो हिट नहीं हुआ है क्योंकि उसके बाद आप अपना मनमानी करते हो, बोलते हो ये जनता का शो है। जनता का शो नहीं है बिग बॉस, ये आपका शो है, आप अपना मर्जी करते हो। हर साल आप किसी को फेवर करते हो, हर साल आप किसी को जलील करते हो। तो इस साल आपका टारगेट है कटारिया, पता नहीं ऐसा क्यों है, आप क्यों हाईलाइट कर रहे हो? सिर्फ व्यूज के लिए, TRP के लिए आप एक बंदे को जलील करते हो, पूरे घर वाले उस पे हंस रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि मैं एक हफ्ता बिग बॉस का गुजर जाए ताकि मैं एक प्रॉपर रिव्यू करूं, ताकि ये बंदा कैसे है, ये नकली है, ये असली है। लेकिन पहले हफ्ते में बिग बॉस ऐसे किसी को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मैं कटारिया का फैन हूं या ना हूं। तो ये वीडियो मैं कटारिया के लिए ही बना रहा हूं कि भाई मैं इस वक्त आपके साथ हूँ, बिग बॉस आपके साथ गलत कर रहे हैं, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, गलत कर रहे हैं। बाकी मम्मी डैडी जैसे लोग बुलाए हो, अरमान मलिक नहीं दिख रहा है या बिग बॉस उसको नहीं दिखा रहे हैं? अरमान मलिक की जो दो बकरियाँ हैं, बस बिग बॉस सिर्फ उसको चारा डालती है, वो चारा खाती है, सो जाती है, पता
यानी वो दिख नहीं रहे या बिग बॉस दिखा नहीं रहे। शिवानी को देखो, बिग बॉस ने इसे कुल्ला सांड की तरह छोड़े कि भाई जिसको जलील करने है जलील करते रहो, जो बोलने हैं गालियां बोले, बस हमें कंटेंट दे दो। जिस दिन शिवानी का मुंह बंद होगा बिग बॉस उसको नॉमिनेट कर देगा घर से। ये शिवानी को इसीलिए ये लाए ही इसलिए है ताकि आप किसी न किसी को जलील करते रहो, हमें कंटेंट मिले। जिस दिन आपका मुंह बंद होएगा तो आपका छुट्टी होएगा। तो ये शिवानी को इसीलिए बोला है। शिवानी के घर वाले बोल रहे हैं कि भाई अब तो ये मुसीबत बिग बॉस के गले पड़ गई है, आप बिग बॉस उससे जैसे भी डील करेंगे हमें मंजूर है। दीपक पिचकसिया को देखो, सॉरी दीपक चौरसिया को देखो। बाहर तो वो दलाली करता था, अंदर किसका दलाली करेगा, वो चल भी नहीं सकते। बिग बॉस ने उसको बोला है, क्यों बुलाया है, जबरदस्ती छूट बा रहे हो। और निजी को देखो, निजी तो बस ये करो वोट है, इधर से कॉन्टेस्टेंट बोलते हैं तो वैसे होते हैं, इधर से कॉन्टेस्टेंट बोलते हैं तो वैसे होते हैं। तो निजी करो वोट है, तो एक जो दो तीन लोग हैं वो गेम खेल रहे हैं, उसको बिग बॉस गेम खेलने नहीं दे रहे। तो अब मैं क्या कहूँ। जब रफ्तार आया तो रफ्तार ने कहा कि नेजी भाई आप नेजी की तरह चलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना, बायापुन है आपके साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बायर एल्विश कटारिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप गलत हो। लोग बायर सपोर्ट कर रहे हैं, सजा इसको अंदर दे रहे हैं बिग बॉस। पता नहीं ऐसे मजाक हो रहे हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये बच्चे बैठे, ये मेकर बेटा है या बच्चे बेटा है, सही बंदे बैठा हो। बाहर कोई बंदा बोल रहा है कि कटारिया जिंदाबाद, बिग बॉस वाले इसको अंदर सजा दे रहे हैं कि बाहर एक बंदा बोले कि कटारिया जिंदाबाद, क्यों बोल रहे यार, उसको क्यों पता है कि क्यों बोल रहे। तो ऐसे मतलब ऐसे वहियात शो है इस बार जो है ना, अगर ऐसा चलता रहा बिग बॉस तो यू आर फ्लॉप, लिख के ले लो यू आर फ्लॉप। हम अब हम क्या रिव्यू करें, जब एक बंदे की विशाल को ये लोग टारगेट करें, बस सिर्फ कटारिया की वजह से टारगेट करें, बाकी कुछ नहीं है। तो वीडियो कैसे लिखी ज़रूर बताना। तो ये वीडियो स्पेशली कटारिया ही के लिए है। कटारिया आई एम विद यू, आपके साथ बुरा होगा तो मैं होएंगे आपके साथ 100% होऊंगा।